तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो आज की वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक बेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक लेकर आया हूं। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक समझना, क्योंकि कुछ लॉजिक होंगे और लर्निंग पर्पज से रिलेटेड कोई वीडियो जो मैं आपको समझाने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप लोग स्टॉक को देख सकते हो कि ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट करा, इसके पीछे का रीज़न है कि इसका जो पहला ऑल टाइम हाई इसके आसपास है। पर्सनली मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ देर सस्टेन करता है या फिर से अगर आपको ये 350 के लेवल दिखाता है तो बढ़िया इसे ऐड करना, क्योंकि अपने आप में ये एक तरह से बोल सकते हो मल्टी बैगर स्टॉक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी काफ़ी लास्ट टाइम से क्या हो रहा है, इसके अंदर मतलब भयंकर तरीके से वॉल्यूम आया है बहुत। अब इस वॉल्यूम का सीधा सा है कि भाई स्टॉक के अंदर कुछ जान है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, रबड़ सेक्टर का ये स्टॉक है। आप लोग प्रिडिक्ट करना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने लोग सही होने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक है। अब बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जब आप लोग इसके प्रमोटर्स को देखोगे तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 58% के आसपास है, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा इसके अंदर देख सकते हो FII का थोड़ा सा इसमें है, तो ये भी बोल सकते हो कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। ये जो 1% है ना, ये 1% इन्होंने पब्लिक से छीना है भाई। मोटे मोटे अक्षरों में अगर आप लोग देखोगे तो पब्लिक का स्टेक है वो यहाँ कम होकर इन लोगों ने लिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ इसके अंदर पोटेंशियल मुझे लग रहा है स्टॉक के अंदर। और एक चीज़ और, ये कंपनियाँ क्या होती हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप की होती है। तो जब भी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करो तो प्लीज़ एक बार अपनी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करना। ये मेरे सुझाव है, मुझे लगता है ये स्टॉक भाग सकता है, तो आप लोग एक बार अपनी एनालिसिस भी ज़रूर करना। अभी आप लोग स्टॉक का नाम देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो सिर्फ नाम देखने जानते हैं, उसके पीछे का टारगेट और लॉजिक से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इसका है भाई नाम एप्को टैक्स, इसका नाम है एप्को टैक्स, आप लोग देख सकते हो। और वैंग इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत भयंकर आया था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मेरे ये रडार पर था बट मिस हो गया। बट कोई नहीं, सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को अवेयर कराया जाए। बात करते हैं टारगेट की, तो देखो जो इसका टारगेट मिनिमम निकल कर आ रहा है वो 450 से 500 का टारगेट इसका इजीली आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ज़्यादा लंबे टारगेट भी होंगे बट मैं आपको अभी इतने लंबे टारगेट नहीं दूंगा। बात करते हैं एक छोटे से टारगेट 350 प्लस 400 का, मतलब नॉर्मल से 400 450 के इसके रहने वाले हैं। 450 पहला, दूसरा 500 इजीली मिल जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर रहे हो मिस, क्योंकि मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट शॉर्ट कॉल प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, खुद के सिस्टम के बेस पर जो मैंने बनाया है। 1 से 3 दिन के अंदर 5, 10, 15% तक की कॉल आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो एक बार इसे विजिट ज़रूर करें, फ्री चैनल है, इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। बाकी जब आप लोग आओगे तो अब बात करते हैं लॉजिक की। तो देखो सीधा सा मतलब समझो, जो एप्को टैक्स है, जो ये कंपनी है एप्को, ये क्या करती है, इसका मेन जो काम है वो है भाई वेरियस टाइप ऑफ, इसमें लिखा हुआ है लेकिन मेन जो इनका वर्क है मैं आपको समझाते हैं, तो रबड़ में। और देखो रबड़ जो है अभी मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो कि स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह धीरे धीरे रीओपन हो रहे हैं, ऐसे में रबड़ का यूज़ भी होगा, पेंसिल वगैरह आप लोग जानते हो, तो ये मेन इसका जो वर्क है वो रबड़ से रिलेटेड है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट, जो एशियन पेंट के MD है फॉर्मर, वो इस कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी पोस्ट पर है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, अपने आप में टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है इन फ्यूचर। बाकी आप लोग कंपनी के नेट प्रॉफिट पे आओगे तो देख सकते हो ये कंपनी एक जैम है। मैं जैम क्यों बोल रहा हूँ, लगातार इसका प्रॉफिट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है। मे बी आपको ये कुछ धमाकेदार करता हुआ दिख सकते हैं, धमाका तगड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर भी। बाकी आप लोग देख सकते हो ये भी इसका प्लस पॉइंट है, इसकी सेल लगातार बढ़ती जा रही है। तो आई होप आपको ये स्टॉक काफ़ी पसंद आया होगा। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाकी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।